कपकोट तहसील के अंतर्गत ग्राम बास्ती में ग्रामीणों ने युवाओं के अनुरोध पर खेल मैदान निर्माण के लिए जमीन दान दी है। गांव के पूर्व प्रधान व पूर्व सैनिक केदार सिंह व प्रताप सिंह मेहर ने खेल मैदान निर्माण के लिए अपनी जमीन दान में दी है। गांव के प्रधान केदार सिंह मेहर ने बताया कि गांव में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण खेल मैदान का निर्माण नहीं हो पा रहा था, लेकिन दो ग्रामीणों द्वारा जमीन मुहैया कराए जाने के उपरांत गांव में खेल मैदान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीणों ने दानदाताओं का आभार व्यक्त किया है। मैं सर्वप्रथम केदार सिंह जी और प्रताप सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी भूमि दान की है हमारे खेल के मैदान के निर्माण के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेल का मैदान बहुत महत्वपूर्ण है सभी दृष्टि से, शारीरिक हो गया और शारीरिक विकास के लिए, और कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में जाइए खेल बहुत आवश्यक है मनुष्य के निजी जीवन में। आज मैंने यहाँ पर जो ये दाननामा, अपनी भूमि का दाननामा किया है, ये गांव के युवाओं के मांग के हिसाब से किया है, क्योंकि युवाओं के लिए कोई खेल कूद का मैदान यहाँ पर नहीं था, जिससे हम काफ़ी दुखी थे। और मैं भी हर हमेशा खेल कूद में रहा हूँ और फौज के अंदर भी मैंने खेल कूद किए हैं, इस वजह से मुझे काफ़ी इच्छुक था मैं, और इसी वजह से मैंने बच्चों को, इन युवाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना खेत दान में दिया है। और आगे को इस भूमि पर ये बच्चे जो कुछ भी करना चाहेंगे, खेल कूद, अपना सार्वजनिक कार्य में कुछ भी कर सकते हैं, इसमें मेरी कोई रोक ठोक नहीं है, क्योंकि गांव के युवा लोग जो हैं ये इसमें अगर कार्य करेंगे तो अपने हिसाब से कहीं आगे को नौकरी सर्विस और फौज में और पुलिस में हर जगह भर्ती होने के लिए भी इनको सुविधा होगी और अपना पर्सनैलिटी भी सही बना सकेंगे, क्योंकि आज तक हमारे बच्चे खेल कूद के बिना हर जगह पिछड़े हुए थे और पिछड़ते जा रहे थे, जिस वजह से हमें बड़ा दुख हुआ और इसी वजह से मैं अपनी भूमि को यहाँ पर दान रूप में इन बच्चों को दिया हुआ है। आज हमारे ग्राम पंचायत बास्ती के श्री केदार सिंह महर जी और प्रताप सिंह महर जी के द्वारा जो अपनी नाप जमीन अपने गांव के युवाओं के लिए खेलकूद कार्यक्रमों में इस्तेमाल करने के लिए दान की गई है, सबसे पहले मैं अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और अपने तरफ से श्री केदार सिंह महर जी और श्री प्रताप सिंह महर जी को धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये ग्राम बास्ती है, ये ब्लॉक मुख्यालय या जिला मुख्यालय से काफ़ी दूरी में बसा हुआ है, ब्लॉक से करीब 80 किलोमीटर की दूरी में बसा हुआ ये गाँव है। और आज से कुछ समय पहले मैंने यहाँ पर नवयंग मंगल दल का पुनर्गठन यहाँ पर किया, जिसके पंजीकरण की प्रक्रिया अभी चल रही है, और युवाओं की बहुत समय से मांग थी कि गाँव में खेल के लिए एक छोटा सा मैदान होना चाहिए, लेकिन जमीन नहीं मिल पाने की वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार का फील्ड का निर्माण हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो गांव के बहुत सारे लोगों ने, युवाओं ने केदार सिंह जी और प्रताप सिंह जी से अपील करी, क्योंकि ये जो इनका जो खेत है ये गांव के एकदम बीच में है और मेरे ठीक पीछे जो मंदिर है और मंदिर से लगा हुआ खेत है, तो यहाँ पे आगे पीछे भी गाँव के युवा फुटबॉल वॉलीबॉल इत्यादि यहाँ पे खेला करते थे। तो यहाँ पे आज इनके द्वारा जो जमीन दान की गई है, इससे गाँव के युवा काफी खुश हैं। CGN न्यूज के लिए कांडा से पंकज दशीला की रिपोर्ट।